आज नागरिकता अधिनियम जो बना है सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है के लिए ये झंडे बैनर समस्ता पे जमा कर देंगे तरफ से और जो ये आयोजन किया गया और ये रैली यहाँ से शुरू होकर के आज नुमाइश ग्राउंड से शुरू हुई और वापस यहीं पर समाप्त हुई है। जल दे सकते हैं और हमारे वाहनों में बैठे जो हमने आज ये प्रमाण किया है इसका उद्देश्य लोगों में एक जागरूकता फैलाना। जो दाई और छोटे वाहन खड़े हैं आज के समय में CAA को ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है या दलित विरोधी है, उनको जागरूक करना है कि ये ना मुस्लिमों का विरोधी है, ना दलितों का विरोधी है, ना किसी अन्य समाज के लिए है, ये तो सबके लिए है और इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, इससे लोगों को और फायदा होने वाला है। जो हमारे आगे उधर भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ पे जो हमारे आगे तक रखते रहे अल्पसंख्यक भाई हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, जिनका सबका धीरे धीरे वो जो है समाप्ति की ओर है, वो अगर आएंगे तो उनको यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं उनको किसी भी तरह से यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि किसी भी तरह से किसी की कोई नागरिकता छीनने वाली नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य यह है कि जो प्रताड़ित हैं, जो हमारे भाई बाहर के मुल्कों में हैं, जिनको के जिनकी नागरिकता पे वहाँ पर परेशानी आती है, जिनको वहाँ रहने नहीं दिया जाता, जिनकी माँ बेटियों के साथ वहाँ बलात्कार होते हैं, उन लोगों के लिए ये जो नागरिकता बिल लाया गया है ये उनके लिए है। ये जो भारत में लोग रह रहे हैं वो जो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कोई उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, भारत के लोगों को किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बसों में भी कोई इस प्रकार का उत्तेजन या कोई आया है गतिविधि उसके बारे में भ्रांति शांतिपूर्ण मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, शोषितों को निकाल दिया जाएगा, मंच पे उस धर्म को दूर करने के लिए, उस बात को लोगों को जागृत करने के लिए आज और पीछे जाने की व्यवस्था है द्वारा की गई है और पानी के टैंकर और निश्चित तौर पे इसमें कहीं भी किसी बिल में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की सिटीजनशिप जा रही हो, बल्कि सिटीजनशिप जो लोगों को देने का हम लोगों का आशय है, सरकार का मन है कि जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, भारतीय हैं, वो वहाँ पे शोषित शोषण हो रहा है, माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी परसेंटेज घटती चली जा रही है और वो हमारे देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। नागरिकता का नागरिकता देने के बाद उनको सब वही अधिकार देना चाह रहे हैं देश के नागरिकों को, इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है। हमें जाना है और विपक्षी पार्टियां जो भ्रामक प्रचार कर रही हैं वो बिल्कुल नितांत गलत है, उसी को दूर करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए और सारे शहर का भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि इसमें इस तरह की बल्कि ये नागरिकता देने वाला बिल है, लेने वाला बिल।